सप्ताह में दो बार डायलिसिस हो रहा है, क्रिएटिनिन 6 की रेंज में आ गया, फिजिकली बहुत बेटर फील हो रहा है, चलना फिरना और सारे अपने कार्य जो है डेली के जो कार्य है वो करने में वो सकुशल समर्थ है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक पेशेंट और जुड़े हैं, जानेंगे उनसे कि क्या क्या समस्याएं थी, किस प्रकार किडनी की गंभीर समस्या से वो जूझ रहे थे और कैसे उनको आराम मिला। क्या नाम है आपका? बीएन झा। कहाँ के निवासी हैं? मैं वैसे तो बिहार का हूँ लेकिन अभी ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ। बिहार में कौन से जिले से हैं? मधुबनी। मधुबनी जी। तो जब आए थे बीएन झा तो उस समय आपको क्या क्या समस्याएं हो रही? उस समय ये कमजोरी बहुत थी और जैसे बैठ करके उठते थे तो चक्कर आ जाता था और चलने में दिक्कत होती थी, मतलब हमेशा लगता था कि लेटे रहें, तो और 3 बार वीक में डायलिसिस होती थी, डायलिसिस में भी बहुत कमजोरी हो जाती थी, मतलब पूरे सप्ते हमारा मूवमेंट जो है बिल्कुल हो नहीं पाता था, बैठने में उठने में लेटने में सब चीज़ में दिक्कत थी काफ़ी। तो वैसे टेलीविज़न पे हमने आपका देखा था कार्यक्रम, तो फिर मेरे मन में हुआ कि एक बार जाकर के प्रयास किया जाए कि अगर कुछ हो सकता है फ़ायदा, तो फिर आए यहाँ पे, फिर आपकी दवाइयों से काफ़ी फ़ायदा हुआ है, अब इस लायक हूँ मैं, अच्छे तरह से चल सकता हूँ, डायलिसिस के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ड्यूरिंग डायलिसिस भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चक्कर वगैरह बिल्कुल नहीं आते, एनर्जी भी बॉडी में लग रही है, तो काफ़ी प्रसन्नता है कि दवाई से काफ़ी हमें फ़ायदा हुआ यहाँ पे। काफ़ी फायदा हुआ जी। पहले तो क्रिएटिनिन भी आपका बढ़ा हुआ था जी, कितना था एक बार दिखाएंगे, क्रिएटिनिन कितना था पहले रिपोर्ट्स? कैमरे की तरफ दिखाएंगे, इसके अंदर कितना क्रिएटिनिन है? क्रिएटिनिन 7.8 दिखाइए, आप सामने कीजिए, मैं बताऊँ। इसमें आप देख सकते हैं CBCI दूसरा रिपोर्ट में, इसके अंदर जो क्रिएटिनिन है इनका वो बढ़ा हुआ था जब आए थे, जब उन्होंने विजिट करा था और उसके बाद ये क्रिएटिनिन जो रिड्यूस होना शुरू, 7.3 के आसपास है, ऊपर 7.7 के आसपास है, इसमें इनका क्रिएटिनिन जो है ये बढ़ा हुआ है। आपने कहां से कराए हैं टेस्ट? ये यथार्थ हॉस्पिटल। यथार्थ कहां पर है ये? ये ग्रेटर नोएडा में है। अभी आप जो लेटेस्ट कराए उसके अंदर कितना आया क्रिएटिनिन? 6 के आसपास है सर, दोनों रिपोर्ट इकट्ठे दिखाएंगे। 7.7 से क्रिएटिनिन लेवल 6 की रेंज में है। डायलिसिस कितनी बार हो रहा था पहले आपको? 3 बार हो रहा था। अभी कितनी बार करा रहे हैं? दो बार जी। सप्ताह में 3 बार डायलिसिस हो रहा था, क्रिएटिनिन 7.7 था, सप्ताह में 2 बार डायलिसिस हो रहा है, क्रिएटिनिन 6 की रेंज में आ गया, फिजिकली बहुत बेटर फील हो रहा है, चलना फिरना और सारे अपने कार्य जो है डेली के जो कार्य है वो करने में वो सकुशल समर्थ है। पहले से फिजिकली ठीक लग रहा है ना आपको? हाँ जी, काफी इम्प्रूवमेंट है। काफी आप भी देख रहे होंगे किस प्रकार का इम्प्रूवमेंट आई जी, काफी फर्क पड़ा है। हाँ, काफी अंतर है। पहले सर बिस्तर पे रहते थे, थोड़ा सा अब 3 दिन बाद जाना वहाँ पे इनका बीपी वगैरह में चेंज आ जाता था, जरा फ्लक्चुएट हो रहा था, जो कि अभी कंट्रोल में है और काफी आराम भी है, जैसे इनको देख के भी लगता है पहले से काफी फर्क है पहले से। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप किडनी के मरीजों को, डायलिसिस करा रहे हैं 3 बार 4 बार हफ्ते में हो रहे हैं और रेगुलर होते चले जा रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उन पेशेंट? मैं तो कहना चाहूँगा यहाँ पे दवाई लें, यहाँ का इस दवाई में बहुत ही फ़ायदा है और ये तो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, 4 महीने में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है और अब तो मैं कहीं बाहर भी 2-3 दिन के लिए जाता हूँ तो आराम से रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैं अभी सहारनपुर गया हुआ था, वहाँ भी 3 दिन लगा के आया हूँ, तो बड़ा आराम रहा है, बड़ा कम्फर्टेबल रहा है, मतलब ऐसे लगता नहीं होगा आप बीमार हैं या कुछ सिम्टम्स उस तरीके के बहुत कम आते हो जी जी। डायलिसिस इनका काम हो चुका है, क्रिएटिनिन का काम हो चुका है, फिजिकली बेटर है, आई एम वेरी श्योर में डायलिसिस और दवा रिड्यूस हो जाएगा आने वाले टाइम में और वो बंद भी हो जाएगा। तो अगर बीएन झा मधुबनी ओरिजिनली मधुबनी से और अभी जो है प्रेजेंट एड्रेस ग्रेटर नोएडा में अगर ये डायलिसिस को कम कर सकते हैं तो आपका या आपके किसी जानकार का या आपके किसी रिश्तेदार का या किसी पड़ोसी का जिनका डायलिसिस चल रहा है उनका भी काम होना संभव है। आवश्यकता है तो किसी दिए नंबर पर कॉल करने की, संपर्क करने की, अपनी रिपोर्ट शेयर करने की और उसकी रिपोर्ट के अनुसार हम आपको सारी चीजें बताएंगे कि इस प्रकार से आपने सब चीजें फॉलो करनी है। स्टॉप किडनी डायलिसिस।